चावल हमारे कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, एक एक दाना अलहदा अलहदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। आज मैं आपको बताऊंगी चिकन पुलाव बनाने का तरीका, तो शुरू करते हैं। तो चिकन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच गर्म मसाला, काली मिर्च आधा चम्मच, धड़ा मिर्च 2, 4 अदद लौंग, दालचीनी 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, बादियाने के फूल 2 अदद, कड़ी पत्ता, फूड कलर 2 अदद, प्याज काट कर रख लिए हैं 2 अदद, टमाटर, अदरक लहसुन, 3 हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक गार्निशिंग के लिए, चावल भिगो के रख लिए थे, चिकन धो के रख लिया था। पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे ऑयल, डालेंगे इसमें प्याज, बिस्मिल्लाह, प्याज को करते हैं ब्राउन, आंच हम थोड़ी सी कर लेंगे तेज। चम्मच चलाते रहना चाहिए, क्योंकि चलाने का मतलब ये होता है प्याज हमारे इक्वल ब्राउन हो, नहीं तो पता क्या होता है, थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, थोड़े से सफ़ेद रह जाते हैं, फिर प्याज़ों का अच्छा सा कलर नहीं निकलता। प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तो इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। टमाटर के बाद हम लोग डालेंगे इसमें चिकन, तो इंशाल्लाह चावल हमारे अच्छे से तैयार होंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका अच्छे से कलर निकल आए प्याज़ों का। प्याज़ों का अच्छे से कलर निकल आया है। इसमें डालेंगे अदरक, टमाटर, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद डालेंगे हम चिकन। तब तक के लिए हमें थोड़ा छोड़ देते हैं इसे। इसमें डालते हैं चिकन, साथ ही डालते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। इसको हम अच्छे से भूनते हैं। इसकी भुनाई करने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी, क्योंकि आपको तो पता है ना चिकन को अच्छी तरह भूनना पड़ता है। इसको भूने ना तो इसकी स्मेल नहीं जाती। तो इसको यकजा करना है हमने। इसके ऊपर देते हैं ढक्कन। चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसे 10 मिनट और चाहिए ताकि ये अंदर से गल जाए, क्योंकि इसे अंदर तक हमने पकाना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह अभी हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 ग्लास पानी। चिकन क्यूब्स, माशाल्लाह चिकन बहुत अच्छे से गला है। पानी को उबाल आ गया है, इसमें डालेंगे चावल। कोशिश आप भी किया करें कि चावलों का दाना कोई ज़ाया ना हो, क्योंकि अल्लाह की नेमत को ज़ाया नहीं करना चाहिए।
5 मिनट के लिए हम इसे देखते हैं। पानी को उबाल आने तक इसके ऊपर देते हैं ढक्कन। पानी खुश्क हो गया है, चावल दम के लिए तैयार हैं। इसमें डालेंगे हम 3 सब्ज मिर्च और थोड़ा सा फूड कलर। इसको हम लगाएंगे दम। तो दम के बाद मिलते हैं। माशाल्लाह चावल हो गए हैं तैयार। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल हमारे कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। एक एक दाना अलहदा अलहदा है। तो करते हैं इसे डिश आउट। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छी से हलाते हैं। चिकन पुलाव को डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और मुझे बहुत सपोर्ट करना है। मैं आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।